यूएई इंडिया टाइज आर रूटेड इन एफिनिटी, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। दिस आर्टिकल रिलेट्स टू सम पॉइंट्स ऑफ यूपीएससी सिलेबस लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, बायलैटरल, रीजनल एंड इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडिया इंटरेस्ट, इंडिया एंड वेस्ट एशिया। भाई इन न्यूज, ड्यूरिंग द विजिट ऑफ शेख खालिदा द क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी टू डेली दिस वीक, देयर आर मैनी एंगेजमेंट विच हैव सिग्निफिकेंस फॉर द टाइज बिटवीन यूएई एंड इंडिया। करंटली अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद ने दिल्ली विजिट किया है इस वीक, और मैंने एंगेजमेंट हुए हैं। इन एंगेजमेंट ने इंडिया और यूएई के साथ जो रिलेशनशिप है उसको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करने की ट्राई की है, और यूएई इंडिया दोनों के लिए ये एंगेजमेंट बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे फ्यूचर के लिए। हिस्टोरिकल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया यूएई, इंडिया एंड यूएई के बीच हिस्टोरिकल रिलेशनशिप कैसे रहे हैं। द फर्स्ट ट्रेड लिंक बिटवीन द अरेबियन गल्फ एंड इंडिया गो बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एज पीपल, गुड्स एंड आइडियाज एक्सचेंजेज अक्रॉस ओशंस। इंडिया और यूएई के बीच जो ट्रेड लिंक रहे हैं वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर बैक से चले आ रहे हैं, बिकॉज थाउजेंड ऑफ ईयर्स पहले भी पीपल, गुड्स एंड आइडियाज का एक्सचेंज थ्रू द ओशन दोनों कंट्रीज के बीच होता था। पॉटरी डिस्कवर्ड इन रिसेंट आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन इन अबू धाबी शोज कनेक्शन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफ मोर देन 4 मिलेनिया अगो। करंटली अबू धाबी के अंदर कुछ एक्सकवेशन किए गए रिसेंटली, उसके अंदर जो पॉटरी फाइंड आउट किया है, उस पॉटरी को फाइंड आउट करने के बाद ये रिवील हुआ है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो अबाउट 4 मिलेनिया एगो की सिविलाइजेशन है उसके साथ इसका कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन यहाँ पर स्विंग आउट हो रहा है। मैनी इमिग्रेंट्स ट्रेवल टू इंडिया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड वेन पीपल कैच द टिपिकल कोल्ड एंड फ्लस टर्न टू इंडियन होम्योपैथिक मेडिसिन फर्स्ट बिफोर अदर रेमेडीज। मैनी इमिग्रेंट्स पीपल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया ट्रेवल करते हैं। इफ यूएई पीपल को अगर टिपिकल कोल्ड एंड फ्लस से रिलेटेड प्रॉब्लम फील होती है वो इंडियन होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ टर्न करते हैं बिफोर अदर रेमेडीज। इंडिया यूएई करंट रिलेशनशिप, इंडिया और यूएई का करंट रिलेशनशिप क्या है। द यूएई इज होम टू मोर देन 3.5 मिलियन इंडियंस। बोथ कंट्रीज रिलेशनशिप सक्सेस बिल्ड ऑन लीडर्स फार साइटेड कमिटमेंट टू टॉलरेंस, इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड माइनॉरिटीज। इंडिया के अबाउट 3.5 मिलियन पीपल यूएई के अंदर होम है, इट मीन्स अबाउट 35 लाख पीपल यूएई के अंदर वर्किंग है। दोनों कंट्रीज के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट और दोनों कंट्रीज के अंदर माइनॉरिटीज के कॉन्टेस्ट में टॉलरेंस है, और यही वजह है कि दोनों कंट्रीज के लीडर्स के अंडर फाइव साइडेड कमिटमेंट है इन इश्यूज को लेकर। इट मीन्स दोनों कंट्रीज के अंदर टॉलरेंस को लेकर, वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड माइनॉरिटीज की सिक्योरिटी को लेकर फायर साइटेड कमिटमेंट है। यही वजह है कि दोनों कंट्रीज के बीच रिलेशनशिप काफ़ी सक्सेस रहे हैं। द डिग्री ऑफ कनेक्टिविटी बिटवीन बोथ कंट्रीज कैन बी सीन इन सिंपल फैक्ट दैट देर आर मोर देन 1500 फ्लाइट्स बिटवीन द यूएई एंड इंडिया एवरी सिंगल वीक। एवरी सिंगल वीक यूएई और इंडिया के बीच फ्लाइट का जो एक्सचेंज होता है वो अबाउट 15 फ्लाइट्स का एक्सचेंज होता है। इससे ये शो हो रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज के बीच डिग्री ऑफ कनेक्टिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इन फेब 2022 इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री विद विच द यूएई साइंड अ कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। 2022 फेब में इंडिया फर्स्ट कंट्री बन गया जिसके साथ यूएई ने कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था। इससे पहले किसी भी कंट्री के साथ यूएई ने ये एग्रीमेंट साइन नहीं किया। यूएई हैव सेंड बिलियंस ऑफ रुपीज ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट डील एंड प्लान टू गो मच फर्दर। यूएई ने इंडिया के साथ बिलियंस ऑफ रुपीज का एडिशनल इन्वेस्टमेंट डील साइन किए हैं। शेख खालिदा रिसेंटली अटेंडेड द इनॉग्रेशन ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली अबू धाबी विच इज द फर्स्ट ओवरसी ब्रांच ऑफ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। शेख खालिदा ने रिसेंटली आईआईटी दिल्ली विजिट किया और वहाँ आईआईटी अबू धाबी का एक यहाँ पर ब्रांच यहाँ पर अटेंडेड किया, इनॉग्रेशन किया, और ये प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है अपने आप में आईआईटी दिल्ली। और पहली बार इंडिया के अंदर ऐसा हुआ है कि
इंडियन यूनिवर्सिटी में ओवरसीज ब्रांच यहाँ पर ओपन की गई है, और ये यूएई की ब्रांच यहाँ पर ओपन की गई है। इसका इनॉगरेशन शेख खालिदा के द्वारा रिसेंटली किया गया है। बोथ कंट्रीज हैव एक्सचेंज एग्रीमेंट ऑन टॉपिक्स इंक्लूडिंग हेल्थ इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, क्रूशल टू आवर नेशंस एंड द वर्ल्ड फ्यूचर। यूएई और इंडिया बोथ कंट्रीज के बीच में कुछ स्पेशल टॉपिक्स सच एज हेल्थ इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड क्रूशल एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, जो कंट्री और वर्ल्ड फ्यूचर दोनों के लिए कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट रिसेंट एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएई। रिसेंटली यूएई क्राउन प्रिंस इंडिया के अंदर विजिटिंग किया है, और इनके बीच में यहाँ पर यानी इंडिया और यूएई के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स साइन किए गए हैं। नंबर वन, इंडिया एंड द यूएई रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन। सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट बिटवीन यूएई एंड इंडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट। नंबर टू, दे ऑल्सो साइंड एन एमओयू फॉर लॉन्ग टर्म एलएनजी सप्लाई बिटवीन अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। द सेकेंड इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट इज लॉन्ग टर्म एलएनजी सप्लाई बिटवीन अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ADNOC एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। दिस इज सेकेंड इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट। नंबर थ्री, अ थर्ड एग्रीमेंट बिटवीन ADNOC एंड इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड वॉज ऑल्सो वन ऑफ द आउटकम ड्यूरिंग द विजिट ऑफ द क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी। ड्यूरिंग द विजिट ऑफ क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी, द थर्ड एग्रीमेंट वॉज कंडक्टेड बिटवीन ADNOC एंड इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। दिस एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू पेट्रोलियम रिजर्व। फोर्थ, ऊर्जा भारत एंड ADNOC साइंड अ प्रोडक्शन कंसेशन एग्रीमेंट फॉर अबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक। फोर्थ एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन कंसेशन एग्रीमेंट। नंबर फाइव, द फिफ्थ MOU वॉज बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड अबू धाबी डेवलपमेंटल होल्डिंग कंपनी ऑन फूड पार्क डेवलपमेंट इन इंडिया। फिफ्थ एग्रीमेंट वॉज साइंड रिलेटेड टू फूड पार्क डेवलपमेंट इन इंडिया। दिस एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड अबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी, इट मीन्स PJSCADQ। इंडिया एंड यूएई आर पार्ट ऑफ I2U2 ग्रुपिंग दैट इंक्लूड्स इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स, अंडर विच फूड पार्क्स इन गुजरात एंड MP वर एनविसाग्ड। I2U2, इट इज अ ग्रुपिंग ऑफ फोर कंट्रीज। I2 मीन्स इंडिया एंड इजराइल, U2 मीन्स यूएई एंड यूनाइटेड नेशंस, एंड I2U2 ग्रुपिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अंडर दिस ग्रुपिंग फूड पार्क्स इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश वर एनविसाग्ड। द फूड पार्क रिलेटेड MOU इन गुजरात इज बींग व्यूड एज एन एक्सटेंशन ऑफ द ग्रुपिंग। द एग्रीमेंट रिलेटेड टू फूड पार्क्स इन MP एंड गुजरात शोइंग एक्सटेंशन ऑफ दिस ग्रुपिंग। वट आर वेरियस क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस आर्टिकल फॉर प्रीलिम्स? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ गल्फ कॉपरेशन काउंसिल? दिस क्वेश्चन वॉज एड इन 2016 क्वेश्चन पेपर। आंसर इज ए, इट मीन्स ईरान इज नॉट मेंबर ऑफ गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल इट हैव वेरियस मेंबर्स लाइक सऊदी अरेबिया इज अ मेंबर ऑफ गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, ओमैन इज मेंबर ऑफ गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, कुवैत इज मेंबर ऑफ गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, बट ईरान इज नॉट मेंबर ऑफ गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। क्वेश्चन रिलेटेड टू मीन्स, द क्वेश्चन ऑफ इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक प्रोग्रेस। एनालाइज इंडियाज एनर्जी पॉलिसी कॉपरेशन विद वेस्ट एशियन कंट्रीज। दिस क्वेश्चन रिलेट टू दिस आर्टिकल, स्पेशली रिलेट टू सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी। एंड इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट इश्यूज रेज किए गए हैं कि इंडिया की जो एनर्जी पॉलिसी है वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, उसको एनालाइज करना है।